का स्वागत है मेरे ब्यूटीफुल से चैनल सेल्फ स्टडी, और मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स और उनके सिंबल, जो कि क्लास 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना तो समझ लो 9th और 10th में कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट नेम ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन हिंदी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बट हमें इनको इस तरीके से याद नहीं करना, ये उनके नाम हैं जिन्हें हमें इस तरीके से याद नहीं करना है। हमें पहले इनका नेम हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, इस तरीके से याद करना। उसका जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये एटॉमिक नंबर हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम इनको पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 5 में तत्वों का वर्गीकरण। लेकिन हमें इसको इस तरीके से याद नहीं, हमें याद करना है उनके एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एंड प्लस में उनका मास भी याद करना है, जिसे द्रव्यमान बोलते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, जो एलिमेंट जितने भी रिसर्च सर्च हो चुके हैं, जो जिनकी खोज हो चुकी है, उनके हिसाब से जो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में डाला गया है, उनके हिसाब से इनका ये एटॉमिक नंबर है। तो हमें याद करना इस तरीके से, जैसे हमें एक बार में तीनों चीज़ याद करना है। मैं इनको बहुत छोटा सा ट्रिक दूंगा, जिसको आपको एटॉमिक मास तो याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमें याद करना हाइड्रोजन H 1, हीलियम HE 2, इसी प्रकार लिथियम Li 3। अब देखिए लिथियम क्या है, अगर आप यहाँ हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 ही है, लगभग है, मतलब ये अप्रोक्स वैल्यू है जो हम सवाल में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो डायरेक्ट डबल है, 4, लगभग 4 है। इसी प्रकार लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर है 3 और इसका सिंबल है Li, लेकिन जो इसका मास है वो 3 का डबल ना होगा, उससे 1 ज़्यादा है, कुछ एलिमेंट उनका डबल से 1 ज़्यादा है लगभग वैल्यू में। इसी प्रकार बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर 4 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 8, इसका डायरेक्ट डबल में। बोरोन Be, एटॉमिक नंबर 5 और इसका जो मास है इसका जस्ट डबल, 10। कार्बन सी 6, इसका एटॉमिक मास आएगा डबल, 12। नाइट्रोजन 7 और इसे N से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है, इसका जो एटॉमिक मास आया 14। इसी प्रकार ऑक्सीजन 8, इसको O से प्रदर्शित करते हैं, इसका एटॉमिक जो मास आएगा वो 16 आएगा। फ्लोरीन F, एटॉमिक नंबर 9, इसका जो मास है इसका जस्ट डबल, 18। इसी प्रकार नियोन एनी, इसका जो एटॉमिक मास आएगा 10 आएगा। सोडियम 11, इसको NS से डिनोट करते हैं, इसका जो मास आएगा इसका जस्ट डबल से थोड़ा 1 ज़्यादा, अगर इसका एटॉमिक मास 11 तो इससे थोड़ा सा डबल से 1 ज़्यादा है। इसी बार मैग्नीशियम को MG से डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक मास है 12 है, इसका मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास इसका जस्ट डबल, 24। इसी बार एल्यूमिनियम Al 13, एटॉमिक मास 26। सिलिकन SI, एटॉमिक नंबर 14, इसका जो मास है इसका डबल, 28। फॉस्फोरस 15, इसे P से डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक मास है 30। सल्फर S 16, एटॉमिक मास 32। क्लोरीन Cl 17, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है इसके डबल से 0.5 ज़्यादा होता है, ये हमसे पूछ भी लेता है एक तरीके से, सवालों में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे सही से याद करें। जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, जो इसका एटॉमिक मास है इसका डबल से 0.5 से भी 1.5 ज़्यादा है, इसका 35.5 होता है, याद रखना लगभग में, ये लगभग वाली वैल्यू इसलिए क्योंकि इसके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं, इसी तरीके से इनको देख के इसका एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार आर्गन Ar और एटॉमिक नंबर 18, जो एटॉमिक मास आ गया 36। पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19, इसको एटॉमिक मास डबल से 1 ज़्यादा, 39 लगभग। कैल्शियम Ca, एटॉमिक नंबर 20 और इसका जो एटॉमिक मास आ गया 40। स्कैंडियम SC, एटॉमिक नंबर 21 और जो मास आएगा 45 है, इसका 45 है। 20 तक तो लगभग डबल का कॉन्सेप्ट, बस इसके बाद इसका हमें खुद याद नहीं भी, इनका एटॉमिक मास याद नहीं भी होगा 20 के बाद तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। अब बाकी के सिंबल, इसी प्रकार टाइटेनियम Ti, एटॉमिक मास आ गया 48। वेनेडियम V,
एटॉमिक नंबर 23, इसका जो एटॉमिक मास आता है लगभग 51 के होता है। इसी प्रकार क्रोमियम 24, इसको सीआर से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक मास 52। मैग्नीशियम Mn, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका जो एटॉमिक मास है 55। और आयरन Fe से डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है 26 होता है, इसका जो मास होता है 56, लगभग 56 होता है, ठीक है। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इसका जो इसका सिंबल है ये होता है CO, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 59 होना था। निकेल 28, इसको Ni से सिंबल है, इसका एटॉमिक मास 63.5 होता है। कॉपर 29, इसको Cu इसका सिंबल होता है, इसका जो मास 63.5 है, लगभग पॉइंट में एक्चुअली ये इनके मास इक्वल, लेकिन पॉइंट के पॉइंटों में अंतर होता है ज़रूर है। जिंक एटॉमिक नंबर 30, और इसका सिंबल Zn होता है, इसका एटॉमिक मास लगभग 65 होता है। इनके अलावा जो हमें अब क्लास 10th के ज़्यादातर बच्चों को देखने को मिलेगा, इन सिम्नों को प्लीज़ इनको ज़रूर याद रखें। जैसे कि लेड है, तो आपको अगर PB सिंबल दिखा दिया तो आप समझ लेना ये लेड है, हिंदी में इसको सीसा बोलते हैं। गोल्ड AU दिख जाए तो आप समझ लेना वो गोल्ड लिखा हुआ है। सिल्वर AG, ब्रोमीन BR, आयोडीन I, ब्रोमियम बेरियम BA, मर्क्यूरी HG और टिन SN। ओके प्ले